कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है तो इसका यहाँ पर चेयरमैन नहीं बनने देना, सीएमसी को नाकारा बना के रखना, इसकी सीधा सीधा जिम्मेदारी बीदर के एमएलए रहीम खान साहब के ऊपर आती है। 12 साल से बीदर के एमएलए यहाँ पर डेमोक्रेसी को खत्म करके रख दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जमहूरियत के कातिल अगर कर्नाटक में कहीं पर हो रही है, कत्ल हो रहा है जमहूरियत का, तो वो बीदर सिटी में हो रहा है। और कर्नाटक में करप्शन जो है 5% से 20% पहुंच गया है, लेकिन बीदर में 15% से 40% तक पहुंच गया। He is a most corrupted MLA all over Karnataka. 224 MLA में ये सबसे corrupted MLA है और इन्होंने प्लानिंग के साथ बीदर के डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बीदर के मैक्सिमम इदारों को जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको नाकारा बनाकर रख दिया है। सीएमसी में एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है, एक छोटा सा म्यूटेशन हो या खाता बनाने का काम हो, नहीं हो रहा है। बोरवेल के परमिशन के नाम पर करप्शन लिया जा रहा है, नलों को महीने भर तक नल नहीं खोले जा रहे हैं और यहाँ पर खुलेआम करप्शन किया जा रहा है और एमएलए साहब अपने आप को मासूम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जितना वक्त की ड्यू टाइमिंग दिया गया है जितने दिन में बनाने के लिए, अगर उस वक्त तक नहीं बनाया गया, इससे ज्यादा मजबूत तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा और यहां तक के भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा 10 दिन के अंदर तक, जहां पर अली अहमद खान साहब ने मेंशन किया है और हम लोग मूवमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी बहुत जल्द भूख हड़ताल पर बैठने वाले इस मसले को लेकर। अल्लाह।